हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग क्लास स्टैंडर्ड 11 एनसीईआर की सिलेबस सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द ह्यूमंस एंड एनिमल्स रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू द प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी, बट टूडे I am taking a new topic for you as a human respiratory system. Okay, and there is the breathing and exchange of gases. Then what is the meaning of the breathing? Breathing and respiration, both words are different to each other. How? Because when we take oxygen and from the respiratory organs and give out the carbon dioxide, same organs in reverse. This process is called breathing, means exchange of gases. ठीक है, exchange of gases is process is called breathing. Breathing वो process होता है जिसके अंदर अपन gases का exchange करते हैं. Oxygen हम breathing में ले रहे हैं, atmospheric oxygen atmosphere से, और हम carbon dioxide हमारे अंदर जो mechanical process हुआ है biomolecular activities उसमें से जो carbon dioxide बनी उसे हम give out कर रहे हैं. तो यह एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसे ग्रेन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो फूड बना रहे हैं अपने प्लांट के लिए. तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्रोसेस होता है वह कहलाता है ब्रीथिंग. अब रेस्पिरेशन, व्हेन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ के अंदर लेते हैं ब्रीथिंग ऑर्गन्स में, तो उसका यूटिलाइजेशन होता है और उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, फैटी एसिड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का. ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से, जो कहलाता है रेस्पिरेशन, जिसके अंदर एनर्जी जो होती है एटीपी के रूप में यूटिलाइज होती है, कंज्यूम होती है, और एडीपी के रूप में रिलीज होती है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ब्रीथिंग और जो रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसके बाद में आता है ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. जो इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं होता है कि जैसा ह्यूमन के अंदर होता है. तो वे सभी लोअर टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ सेलुलर बॉडी वाले होते हैं. तो उनका रेस्पिरेशन जो होता है यूनिसेलुलर का सेल्स के थ्रू हो जाता है. और जो इंसेक्ट्स होते हैं ऑर्थोपोड्स, उनके अंदर ट्रेकियास होते हैं, स्पिराइकल्स होते हैं, उनके थ्रू होता है. मोलस्क और इचिनोडर्मेट में मॉइस्ट स्किन से होता है. अब आते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के अंदर जो है फाइलम स्टार्ट होता है फीसेस से, फिशेस से. तो ऑल फिशेस हैज द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशंस. जो फिशेस होती है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स होते हैं. इसके बाद आते हैं वर्टिब्रेट्स में हम फीसेस के बाद में एम्फीबियंस में. Amphibians में frog can survive both on the land and water, so it can get the respiration through the moist skin also. या moist skin से भी respirations कर सकते हैं. फिर reptiles से लेकर mammals तक जो होते हैं well developed respiratory system होता है, इसलिए उनके अंदर respirations होता है lungs से. okay, जितने भी higher animals होते हैं सबके अंदर respirations होता है lungs से. और आपके एनसीईआरटी सिलेबस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हमें पढ़ना है कि ह्यूमन का, देखिए यहाँ पर मैंने आपका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है कि ह्यूमन जो होते हैं अगर हम एक्सटर्नल उनका रेस्पिरेशन देखें तो आउटर में नोज होता है. ठीक है, नोज के अंदर टू होल्स होते हैं जो नोस्ट्रिल कहलाते हैं. यहाँ से एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंटर करेगी, फिर यहाँ पे होता है जो नेक आता है इसके यहाँ पर टू होल्स होते हैं. तो वो होल्स होते हैं एपिग्लोटिस कहलाते हैं. एपिग्लोटिस के नीचे होता है लेरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. इसकी वजह से मेल और फीमेल की वॉइस डिफरेंट डिफरेंट पता चलती है. ठीक है, लेरिंग्स के बाद में एक विंड पाइप आता है जिसे ट्रेकिया बोलते हैं. एटलीस्ट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी जो होती है लेंथ होती है. फिर यह ट्रेकिया जाकर के टू ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट. जो हमारे लंग्स होते हैं तो ट्रेकिया भी लेफ्ट लेफ्ट वाली में और राइट राइट वाली के अंदर डिवाइड हो जाती है. ठीक है, यह ब्रोंकस कहलाती है जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है. तो ब्रोंकस आगे जाके देखिए इस तरह से डिवाइड हो जाती है जो कि ब्रोंक्यूलाई कहलाती है. तो ब्रोंक्यूलाई के यहाँ पे देखिए राउंड दिख रहे हैं आपको एल्वियोलाई सेट, जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है.
ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर दो टू लंग्स होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कप शेप का या देखिए इस तरह का यह एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यह कहलाता है डायफ्राम, जो टू लंग्स को सपोर्ट करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम में। जब इसका ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मैकेनिकल प्रोसेस होता है तो इसमें डायफ्राम जो होता है वो लंग्स को सपोर्ट करता है, और लेफ्ट साइड का लंग्स जो होता है वह हार्ट को कवर करता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये पूरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मैकेनिकल प्रोसेस बताऊंगी, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक, द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई एक्सप्लेन यू इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ इट्स द प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस आर टू टाइप्स, व्हेन टेक इन ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड द इंस्पिरेशन। ओके, इंस्पिरेशन प्रोसेस, व्हेन टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज एक्सपिरेशन प्रोसेस। ओके, देन मैकेनिकल mechanisms of the breathing is divided into two parts, inspiration and expirations. Then it is the diagram of the inspirations. यहाँ पे inspiration का मैंने diagram बना के draw करके आपको बताया है कि जैसे ही air जो होती है वो entering होती है lungs के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर pulmonary जो होता है वो pressures जो होता है वह less होना चाहिए, किससे, atmospheric pressure से। अगर यहाँ पर प्रेशर इसका लेस हुआ तो यहाँ पर एयर जो होती है लंग्स के अंदर एंटर करेगी, एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो रिब केज होता है, जो वर्टिब्री का रिब केज जो लंग्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस रिब केज होता है वो रेस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ने से यहाँ पर डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, रिब केज रेस्ट हो गया है, बढ़ गया है, और यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वह लेस है पल्मोनरी इसका प्रेशर का, ठीक है, इसी वजह से लंग्स के अंदर एयर फिल हो गई है, एल्वेओल्स जो होती है उसमें एयर फिल हो गई है और यहाँ पर डायग्राम कॉन्ट्रैक्टेड हो गया है। यह पूरा प्रोसेस हो गया इंस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन एंटर कर गई है इस तरह से लंग्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अपोजिट, जैसे ही इसने एंटर की यहाँ पर लंग्स जो थे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब यहाँ पर अपोजिट हो गया है, आउटर एटमोस्फियर जो है वह मोर देन हो गया है इससे, ठीक है, तो मोर देन होने से यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट जो लगता है पल्मोनरी का लंग्स के अंदर, तो उसके अंदर डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पर धक्का लगेगा डायफ्राम को, वो यहाँ पे पुल करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जो आई थी उसके अंदर वह अंदर रिएक्शन करके कार्बन, क्योंकि एवरी जो ऑर्गेनिज्म से वह कार्बन का बना होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ली और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन करके यहाँ से जो है लंग्स के अंदर से यहाँ पर एयर एक्सपेल्ड हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इसके अंदर जो वॉल्यूम था वह थोरेक्स का डिक्रीज हो जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे और रिब केज जो है वह जो यहाँ पर रेस्ट हुआ था वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो यह वाला प्रोसेस कहलाता है एक्सपिरेशन। तो इस तरह से टू मैकेनिज्म प्रोसेस के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो फंक्शन करता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो रेट होती है वाइटल रेट वगैरह वो तो कितनी होनी चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी, ह्यूमन का जो नॉर्मल जो लंग्स की कैपेसिटी होती है 10 to 12 टाइम्स आनी चाहिए, ठीक है, पर मिनट के अंदर जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेंज होती है 10 to 12 टाइम्स आनी चाहिए पर मिनट के अंदर। ओके स्टूडेंट, और इसको एक हम यहाँ पे क्लिनिकल जो होता है स्पेक्ट्रोमीटर से भी हम इसको यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,